गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज 15 मिनट देरी से, ठीक है। और बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली 12 दिन 12 महीने 1200 क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग लेकर आते हैं हर बार, और वही सीरीज के अंदर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कहा 12 तारीख को एग्जाम हुआ और हमने जो 12 तारीख की सुबह किया था वो दोपहर के एग्जाम में पूछ लिया गया। 13 तारीख यानी कल जो सुबह हमने डिस्कशन किया था, कल वो भी पूछ लिया गया CHSL के अंदर। तो जो खुशी है वो बिल्कुल आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि अच्छा फील होता है आपको भी और ऑब्वियस है हमें भी, जब ऐसा हो कि हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको, वो एज इट इज आपको मिल जाए। कल जब हम बात कर रहे थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, तो वो आप जानते हैं कि हॉट एयर बैलून सफारी वाली बात हो रही थी, और वो बिल्कुल कल ही के क्वेश्चन में पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा देरी से आया हूं, आप जानते हैं कि थोड़ा बेटर फील नहीं हो रहा, बट मैं चाहता हूं आपकी ये सीरीज में पूरी करा दूं जरूर, ताकि ऐसा ना हो कि हम आज ना पढ़े और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होगा ऑब्वियस हम सभी को। तो हम चाहेंगे कि आज हम इसे करें। थोड़ा स्लो हो सकता, आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट कोई परेशानी नहीं, मैं अवेलेबल हूं आपके पास, बस आप पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल आप सभी को शुभकामनाएं, रमजान शुरू हो चुके हैं, मेरा रोजा नहीं है आप जानते हैं बिल्कुल, बट हम क्लास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और बिल्कुल इत्मीनान से चलते रहिएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, CHSL वाले भी कराऊंगा, बाद वाले भी कराऊंगा, और अवेलेबल होगी, सबकी हो ही रही है अवेलेबल मेरे ख्याल से, आपको जल्दी हो जाएगी क्लास चंदन। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय निर्वाचन आचरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। जल्दी से ट्राई कीजिएगा सही आंसर। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा 2020 में किसे सम्मानित किया गया है, यहां पर मेघालय राज्य के अंदर, याद रखना जो मेघालय राज्य का निर्वाचन आयोग है इसे सम्मानित किया गया। बात बिल्कुल क्लियर है शिवांगी, आज लेट है हम लोग 15 मिनट। काजा कल्लास किस देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कल्लास किस देश की, मैं आपको बता दूं इस देश की राजधानी का नाम टैलिन या तालिन है। तो आपको अंदाजा लगाना है यहाँ किस देश की बात हो रही है, और इस देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला ही है। ऐसा होने वाला एक देश बन गया है जो कि हमारा होगा एस्टोनिया। तो तालिन यहाँ की राजधानी है एस्टोनिया की, बिल्कुल। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी सबसे बेहतर झांकी जो थी वो किस देश की चुनी गई थी, और बिल्कुल CHSL आपको देना है और आराम से बिल्कुल इसे करिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहां से होपफुली। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है अयोध्या पर बनी हुई, राम मंदिर पर बनी हुई, इसी को यहां पर पहला स्थान दिया गया था, बस आपको ये समझना और याद रखना होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक, यानी कि जो हमारे पास करप्शन से जुड़ी एक इंडेक्स आती है, और हम कहते हैं कि न्यूजीलैंड डेनमार्क ऐसे देश हैं जो दुनिया में सबसे कम करप्ट है, यहां पर बिल्कुल नीशु देखेंगे जरूर। तो आपको बताना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अकॉर्डिंग 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और यहाँ पर कुछ मिक्स रेस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों के, इससे ये पता चल रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हैं 86 और 85 के अंदर। तो सही आंसर 86 होगा इसका, 85 जो था वो दूसरे में था। तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, मुझे उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप लोग अच्छे कंटेंट के लिए बैठे हैं, थोड़ा सा इश्यू अगर आपको लग रहा हो तो दिक्कत आएगी समझ लीजिएगा। तो 86 राइट आंसर है यहाँ पर, तो 86वें स्थान पर है। और जो अगला सवाल है, 2021 में जो बजट पेश किया गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया 2021 का, उसको हमारे कृष्णा सुब्रमण्यम, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा, जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं,
इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है ऐसी पर्सनालिटीज के नाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और आपसे एक सवाल पूछा गया है कि हमारे देश का लेबर मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री किसके पास आती है, CHSL 2021 13 तारीख में। और आप बिल्कुल सही जवाब जानते हैं, संतोष गंगवार जो मंत्री है इनके पास आता है लेबर मंत्रालय। ये सवाल पूछा है तो यहां आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी बजट एंड लाइवलीहुड और वी शेप्ड रिकवरी। ये स्पेलिंग यहां गलत है, शाह है ये, वी शेप्ड रिकवरी, एच लगेगा यहां उसके बाद ए लगेगा, वी शेप्ड रिकवरी के नाम से होगा। तो बिल्कुल ये सवाल पूछा गया यहां पर, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास सारी बातें। भारत ने शुरू की गई पहल कौन सी है जो COVID-19 के टीके पड़ोसी देशों को प्रदान किए गए। हमने बहुत सारे अपने पड़ोसी ही नहीं और भी देशों को हमने टीके प्रदान किए हैं, वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम चलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो इसका नाम क्या है बिल्कुल याद रखेंगे, वैक्सीन मैत्री, जिसको लेकर काफी इश्यू भी आ रहा है अभी कि हम रशिया की वैक्सीन को इंडिया में यूज कर रहे हैं और इंडिया की बनी हुई वैक्सीन तो हम दे रहे हैं दूसरे देशों को, तो ये यहां पर वैक्सीन मैत्री के नाम से होगा, बिल्कुल याद रखना। विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ताजमहल से प्रेरित भारत में नए भारत विकास केंद्र की शुरुआत की है। आपको बताना है भारत में ये विकास केंद्र कहां बनाया जाएगा, नए भारत का विकास केंद्र। एक्चुअली इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी उनको यहां पर प्रमोट करने की कोशिश कर रही है लगातार, और आपको बस उतना ही बताना है एग्जाम के लिए कि किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो ये नोएडा के अंदर होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। तो सही आंसर याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, यानी नोएडा के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, EIU के द्वारा एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, जो एशिया के 11 देशों की, 11 एशियाई देशों की एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स की एक रिपोर्ट लाई है, जिसमें कहा कि न्यूजीलैंड इस मामले में बहुत बेहतर है। शुभम बिल्कुल आप कर सकते हैं, थैंक यू सो मच सुमित, एवरीवन आपको समझ में आना चाहिए सर, इस रिपोर्ट में भारत को यहां 10वां स्थान दिया है एशिया पैसिफिक देशों की रिपोर्ट के अंदर, 10वीं पोजीशन मिली है भारत को। भारत में पहला जेंडर पार्क कहां बनाया जा रहा है, यानी लैंगिक पार्क बोला जा सकता है, जेंडर पार्क बोला जा सकता है, इस उद्देश्य से कि महिला और पुरुषों के बीच का जो अंतर है उस अंतर को कम किया जा सके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, और ऐसा करा है केरल की सरकार ने, केरल के राज्य ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है। आगे देखिएगा, BCCI द्वारा किस क्रिकेट ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किस ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया गया यहां पर, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे सर, रणजी ट्रॉफी पहली बार इसको रद्द किया गया, इससे पहले ऐसा नहीं था, तो आप जानते हैं कोरोना के कारण ऐसा होने लगा। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज की रिवीजन से भी आपको एक दो क्वेश्चन आज ही के एग्जाम में मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के संस्करण में भारत न्याय रिपोर्ट में सबसे अधिक न्याय के मामले में नंबर 1 कौन सा देश है, आपको राज्य है आपको बताना है, यानी किस राज्य में न्याय वितरण सबसे ज्यादा किया गया। चलिए बिल्कुल कमेंट करके बताइए मुझे, तो सबसे ज्यादा न्याय का वितरण किस राज्य में किया जाता है, यानी कि यहां पर सही आंसर क्या होगा। सर न्याय वितरण में शीर्ष स्थान पर हमारा केरल है, और महाराष्ट्र माफ कीजिएगा सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश आता है, तो महाराष्ट्र यहां नंबर 1 पोजीशन पर। कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि अलॉट की गई है, बिल्कुल देखो आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वालिटी को देखना है क्वेश्चंस की, ठीक है, आज आपको वही देखना है यहां पर, तो आपको बताना है COVID-19 वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है 2021 के बजट में, यानी 2021 के बजट में 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए।
वर्ष 2021-22 के दौरान स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कितने वर्ष के वाहन को परीक्षण से गुजरना होगा, यानी कितने वर्ष के वाहन के बाद अगर वो होगा यहाँ पर, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सुमित पांडे, थैंक यू। शिव अत्री, तो बिल्कुल यहाँ आंसर है सर, 15 साल के बाद एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी और बिल्कुल हम लोग हो जाते हैं। अमित कौन सा भाई, बिल्कुल इसे देखिएगा ध्यान से, तो 15 साल के बाद ये स्क्रैपिंग पॉलिसी काम करेगी। भारत में वो कौन सी मेट्रो ट्रेन होगी जो यूवी लाइट्स के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा भारत में कोच की सफाई, यानी जो डिब्बे हैं उनकी सफाई की जाएगी यहाँ पर, आपको बताना है बिल्कुल सही आंसर के रूप में। तो बिल्कुल बताएं यहाँ पर कौन सी मेट्रो की सफाई की जाएगी, लखनऊ मेट्रो जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो लखनऊ मेट्रो की बात होगी यहाँ पर, इसे आपको याद रखना होगा, लखनऊ मेट्रो। अगला सवाल है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा हिंदी शब्द ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2021 या 2020 पिछले साल का, तो हिंदी शब्द क्या चुना गया इस साल का, अच्छे से बताओ। नेहा यादव, बिल्कुल एफर्ट्स को अगर आप देख रहे, सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, याद रखना ठीक है। अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ना कि उसी की वैल्यू होती है जो आपको क्वालिफाई करा देता है, सेलेक्ट करा देता है। आपने पढ़ा तो बहुत सारे टीचर से है, लेकिन एट दी एंड नाम वही याद रहता है जो सेलेक्ट कराता है, ठीक है। तो उसके लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जिस तरह के एफर्ट्स मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप भी करेंगे, तभी कोई रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज तो आप जैसे और हम जैसे बहुत है मार्केट के अंदर। वर्ष 2021-22 में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने का, 3 वर्षों में स्थापित करने का फैसला यहाँ सरकार ने किया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल अच्छे से इस बात को याद रखना। तो इस बात को क्लियर करना है कि कितने टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सर यहाँ पर सरकार ने अनाउंसमेंट की है, 7 बनाए जाएंगे अगले 3 साल के अंदर, 7 बनाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू भाई सुमित। चलिए, किस देश की सेना ने स्टेट काउंसिलर आंग सांग सू की, ये इनका नाम है पूरा, आंग सांग सू की और यहाँ के राष्ट्रपति जो है विन मिंट को यहाँ गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ आपातकाल की घोषणा लगा दी है। तो आप जानते हैं कि इसमें कोई भी दोराय नहीं है कि हम बात अपने पड़ोसी राज्य की, देश की कर रहे हैं, म्यांमार की, अपना बाउंड्री भी शेयर करते हैं सर इसके साथ। देखो अभी ये कुछ पता नहीं सीजीएल पोस्टपोन होगा या नहीं, ऐसे सवालों के जवाब देखो कोई नहीं दे सकता, ठीक है। ये तो बिल्कुल सरकार ही जानती है कि अब सोचो सीएचएसएल लग रहा था पोस्टपोन होगा लेकिन नहीं हुआ, सीएचएसएल एग्जाम हो रहा है लेकिन बाकी एग्जाम कैंसिल किए जा रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये भारत की सरकार है, याद रखना। तो अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा का कार्यवाहक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया 2020 के अंदर, आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल सारी चीजों को करते जाइएगा अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ पढ़ना है सर। इनका नाम है भाव्या लाल, क्योंकि भारत से है और बिल्कुल संदीप आज लग रहा है आपको। चलिए भाई, थैंक यू। तो भाव्या लाल को बनाया गया है नासा का कार्यवाहक प्रमुख। अगला बताना है आपको कि फेसबुक, जो कि आप जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, फेसबुक का यहां पर चीफ फाइन ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यहां पर एक पोस्ट आती है सीसीओ के नाम से, वैश्विक अनुपालन एंड जोखिम प्रबंधन करने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, ताकि चीजें पूरी की जा सके, ये कौन बनाए गए, हेनरी मोनीज बनाए गए, याद रखना हेनरी मोनीज बनाए गए यहां पर, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक। और फेसबुक की करेंसी का नाम क्या बताया था मैंने, डायम नाम का बताया था, फेसबुक की करेंसी का नाम डायम, चलिए याद रखिएगा। अगला सवाल है, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा की किताब कौन सी है, दलाई लामा जो आप जानते हैं तिब्बती धर्म गुरु हैं, इनकी आपको किताब का नाम बताना है जल्दी इससे।
कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, अनुपालन करना, यानी सारे नियम कानून जो फेसबुक के हैं वो पूरी तरह से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात को ध्यान में रखना। इसी के लिए एक CFCO बनाया जाता है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। इस नाम की किताब लाई गई है, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, यह है दलाई लामा के बारे में। भारत में एक नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, जो तटीय इलाके हैं यहां पर, जो वेटलैंड्स हैं हमारे, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। तो सुमित थैंक यू भाई, बिल्कुल देखिए प्रियांशु यहां पर, तो सर ये कहां सेटअप किया जा रहा है चेन्नई के अंदर? कुछ नहीं सोचना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, आज आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कल हम ये सीरीज पूरी करके फिर हम डेली करंट अफेयर पर आएंगे और बिल्कुल याद रखेंगे। जल्दी ही मैं यूपी की करंट की भी अनाउंसमेंट कर दूंगा, यूपी करंट कब कराने वाला हूं, बिल्कुल डेट और टाइम देखकर फिक्स कर दूंगा आपके लिए, बिल्कुल याद रखना। पहला मानव दूध बैंक कहां ओपन होने वाला है, बहुत अच्छे से याद रखना। और पीडीएफ हमेशा मिलती है अंकुर, आपको रेगुलर मिलती रहती है, कल की नहीं हो पाई थी आई थिंक, आप जानते हैं। तो मानव दूध बैंक जो होगा तो ये कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है, केरल के अंदर। तो इंसानों के दूध को यहां स्टोर कर लिया जाएगा ताकि जिनके पास नहीं है उनको अवेलेबल कराया जा सके। तो ये अपने आप में एक पहला इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। किस द्वीप को स्टार्टअप, समुद्री और स्टार्टअप हब बनाने के रूप में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, यानी जिसके अंदर उनको पोटेंशियल नजर आता है कि भविष्य में एक अच्छा बिजनेस इलाका हो सकता है, ऐसा कौन सा द्वीप यानी आइलैंड है यहां पर जो स्टार्टअप हब बनाया जाएगा, इसका नाम है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान आइलैंड जो है यहां पर, इसको सेलेक्ट किया गया, स्वराज को नहीं, लिटिल अंडमान आइलैंड को सेलेक्ट किया गया। किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई, इस नाम का एक अभियान चलाया है, आपको बताना है। हर घर पानी हर घर सफाई, ये दोनों लक्ष्य को यहां एक साथ रखा गया है ताकि पीने का पानी और साफ सफाई दोनों हो जाए। हमारे पंजाब की सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो बात समझ में आ रही है वर्षा राजपूत, और थैंक यू, बिल्कुल अपने अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है। मैंने कहा ना, जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम के अंदर तभी आपको बात समझ में आती है, अदरवाइज नहीं आती बिल्कुल। तो इसलिए सबके लिए ये बात मैंने आपको कही है। तो कर्नाटक के अंदर हुबली के इंजीनियरिंग छात्रों ने किस रोबोट का निर्माण किया है जो बैंकिंग गतिविधियां में कर सकते हैं, किस रोबोट का निर्माण किया है, जरा देखिएगा, आपको उस रोबोट का नाम बताना है। आवाज आ रही होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरी, और पढ़ना ही तो एक घंटा पढ़ना है अच्छे से, और क्वेश्चन को लेकर आना है यहां पर, किसी तरह से करना है। तो बहुत अच्छे से बात को समझिएगा। हाँ चल रणवीर, तो सर इस रोबोट का नाम इन्होंने माया रखा है, तो माया नाम का एयरपोर्ट है यहां पर, तो बिल्कुल बलरामपुर से है यहां प्रियांशु, बिल्कुल भाई, तो माया इनका नाम रखा है। यहां पर शौच मुक्त को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि शौच मुक्त बनाया जा सके भारत को। ये फेज टू यानी दूसरा चरण है, इसका क्या नाम रखा है? तो बिल्कुल आप जानते हैं यहां पर इसका नाम रखा है, और ये सवाल पूछा भी गया था 12 तारीख में, जो हमारे पंचायती राज मंत्री हमारे, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, इस पोर्टल का नाम रखा है गोवर्धन। तो गोवर्धन पोर्टल रखा है यहां पर, तो इसलिए याद रखिएगा ध्यान से। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में किन देशों के बीच में हुआ है? आप जानते हैं युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में, और इस बार ये राजस्थान में कंडक्ट कराई गई है, तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा याद रखना। एमेजॉन के जो CEO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिनका नाम है जेफ बेजोस, इन्होंने अगला अधिकारी किसे नियुक्त किया है, अगला मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है किसे, जेफ बेजोस का स्थान कौन लेगा भविष्य में? तो इनका नाम होगा एंडी जेसी। तो एंडी जेसी जो होंगे वो लेंगे यहां पर जेफ बेजोस की जगह। भारत का पहला अपंग क्लिनिक
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे पहले आई थिंक ये एक एग्जाम में पूछा भी गया कि पहला अपंग क्लिनिक यानी जो डिसेबल्ड लोग हैं इनके लिए यहाँ पर लाया गया है, जीएस स्पेशल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? ऐप पर, ऐप पर तो सारे ही पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहला अपंग क्लिनिक खोला गया है चंडीगढ़ के अंदर, तो इकोनॉमिक्स स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ज्योग्राफी स्पेशल हमारे विवेक यादव सर का, और हिस्ट्री स्पेशल हमारे अभिषेक सर का, ये सब 7 तारीख से शुरू हुए, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं भाई। चलिए, महिलाओं के सशक्तिकरण को उदाहरण देते हुए कौन देश की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है जम्मू कश्मीर की, और आपको जवाब देना है वो कौन होंगी, तो इनका नाम है आयशा अजीज। तो जस्ट 25 ईयर एज अप्रोक्स में ये बन गई है, तो बिल्कुल स्वाति कोई दिक्कत नहीं है, आयशा अजीज सबसे कम एज में बनी है। यहां लोकतंत्र सूचकांक के 167 देशों की सूची में, जिसमें नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में आता है, आपको बताना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है लोकतंत्र सूचकांक के अंदर। हर्ष, पूरी बात समझ में आ रही है? और भारत को यहां 53वां स्थान मिला है, इसलिए हमने कहा था भारत को पार्शियली प्री डिक्लेयर किया। अगला सवाल है कि बैंकर बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आप लगातार पढ़ते हैं तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, तो किसे चुना गया? श्रीराम श्रीनिवासन, जो फेडरल बैंक के हैं और आगरा से हैं। राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम भाई, थोड़ा सा सब्र करिए, बेहतर रहेगा सब कुछ, आपको अच्छे से एफर्ट्स करने हैं अभी। और इंग्लिश कब से स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल देखेंगे, अभी 19 तारीख से स्टार्ट होगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की टीम को हराकर किस टीम ने खिताब जीता है? यानी सैयद मुश्ताक अली, ये क्रिकेट से जुड़ी एक ट्रॉफी है जिसे दिनेश कार्तिक की टीम यानी तमिलनाडु ने जीत लिया था और बड़ौदा को डिफीट किया था फाइनल में। भारत में पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना मुक्त प्रदेश बन गया है यहां पर, तो मैं बिल्कुल बता दूं, आज मैं करंट ही कराऊंगा, बैंकिंग जीए 06 जो बैच है, न्यू बैच जो 7 तारीख को आया था, मुझे नहीं लग रहा कि इस क्लास के बाद मैं वो क्लास लूंगा आपकी एज यूजुअल, तो आज आप बस इसे समझिएगा ध्यान से। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो अंडमान और निकोबार बना है सर यहाँ पर। तो जितने लोग 06 वाले हों यहाँ पर, वो इस बात को याद रखना, आज सिर्फ वो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान चलाया है, आपको याद करना है, तो ये अभियान किससे जुड़ा हुआ होगा? तो मैं बिल्कुल याद रखना। और सर, ये स्विच दिल्ली अभियान जो चलाया गया है केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है, तो बिल्कुल याद रखना। तो सारी क्लासेस चल रही है, ऐप पर भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लास है, अगर आप इकोनॉमिक्स की क्लास करते हैं तो वो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक कराऊंगा आपको, और यूपी पैट की इकोनॉमी की क्लास स्पेशल वाले में ही चल रही है। अच्छा, यूपी पैट की क्लास चलेगी बिल्कुल। दुनिया में अपनी तरह का पहला कंबाइंड एयर टेस्टिंग सिस्टम, एक छदम उपग्रह, छदम का मतलब होता है नकली, जाली, यानी ऐसा जो रियल में है ही नहीं, एक ऐसा उपग्रह जो रियल में उपग्रह है ही नहीं, ऐसा सैटेलाइट जिसे किया गया है, जिसे सीडियो सैटेलाइट बोलते हैं एक्चुअल में, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पहली बार भारत में बनाया गया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, इसे हाल लिख दिया इन्होंने वैसे, HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। कौन सी कंपनी 1 अप्रैल 2020 को भारत में अपने सभी घरेलू भुगतान को बंद करने का फैसला कर चुकी है और सभी सेवाओं को बंद कर रहे हैं यहां पर? अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है पेपल, तो पेपल है यहां पर। तो बिल्कुल क्लास होगी क्या रोहित, अभी मुझे देखना होगा एग्जैक्टली, ठीक है, तो पेपल यहां पर होगी जिसने बंद कर दिया। भारत दुनिया का पहला देश कौन सा है जहां पर ऊर्जा द्वीप यानी एनर्जी आइलैंड को तैयार किया जा रहा है? ऊर्जा द्वीप को बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ऐसी अप्रोच
किस देश के अंदर है जहां पर एनर्जी द्वीप बनाया गया। तो बिल्कुल अलग तरह का सवाल है, अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश करिएगा यहाँ। तो बिल्कुल सभी जानते हैं सर, ऐसा द्वीप, ऐसा आइलैंड डेनमार्क में बनाया जा रहा है। डेनमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आज की क्लास का टॉप वन क्वेश्चन अगर होगा तो यही होगा, किस देश में ये एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा। हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करती है गजनवी, इसका परीक्षण किया गया, और आपको बताना है ये किस देश की मिसाइल का नाम है गजनवी। तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है गजनवी मिसाइल। ठीक, आगे देखिएगा, प्रदूषण फैलाने वालों पर निगरानी के लिए किस देश ने एक सार्वजनिक मंच स्थापित किया है, ऐसे लोगों पर जो देश में प्रदूषण फैलाते हैं उन लोगों पर, ताकि प्रदूषण को बहुत ज्यादा नियंत्रित किया जा सके, और इनके लिए पूरी तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा ये काम किया गया है? चाइना के द्वारा ये काम किया गया, इसी को याद रखना है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगला सवाल पढ़ के बताइए मुझे। किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मार्स आइस मैपिंग, यानी जो मंगल ग्रह है यहां पर मैपिंग की जा रही है मार्स कितना पानी है और बाकी सारी चीजों की, तो मार्स आइस मैपिंग जो है एक्चुअल में कई सारी स्पेस एजेंसी, कनाडा की, इटली की, जापान की, चाइना की, और उसके अलावा अमेरिका की और रशिया की, इन सब ने मिलकर शुरू करा। इसका मतलब मार्स आइस मैपिंग सबके द्वारा की गई, इसका मतलब हो गया ऑल ऑफ अबव, इन सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है भारत के किस राज्य में? तो ये फरवरी के अंदर सारी न्यूज है, और आपको बस पढ़ना है, इसको शेयर करना है दूसरों के साथ, अगर आपको ये एफर्ट्स लग रहे हो कि बेहतर एफर्ट्स हैं आपके लिए। सर ये लिथियम की भंडार की जो खोज है 1600 टन, ये कर्नाटक में, जैसे कल वेनेडियम की बात की थी अरुणाचल प्रदेश में, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। अगला है, एनटीपीसी के द्वारा राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था ऋषि गंगा के अंदर, यानी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर, तो आपको बताना है कि ये कौन सा ग्लेशियर के फटने से संपत्तियों को नुकसान हुआ, इस ग्लेशियर का नाम क्या था? नंदा देवी ग्लेशियर। तो नंदा देवी ग्लेशियर पटा है, और मैं आपको बता दूं कल के एग्जाम में आया था उत्तराखंड के नए राष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री का नाम, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर भी आ रही है एग्जाम में, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो नंदा देवी ग्लेशियर। बिल्कुल, भारत में नया अध्यक्ष किसने बनाया है? गूगल क्लाउड ने। तो भारत में नए अध्यक्ष कौन बने? करण बाजवा तो एशिया पैसिफिक में चले गए, तो बिल्कुल चलेगी दीपू कुमार जब टाइम आएगा, यानी शेड्यूल आएगा, पूरे दिन क्लास करते हैं इसलिए शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात नहीं होती, तो शेड्यूल आएगा, सब दिन नहीं मिलेगा आपका, जीएस का पोर्शन बदलता रहता है इसीलिए। तो विक्रम बेदी है यहां पर इंडिया के लिए, विक्रम सिंह बेदी इंडिया के लिए। भूतापीय विद्युत परियोजना, यानी कि यहां पर एक प्रोजेक्ट लाया जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और मैं बता दूं ये आज की क्लास का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भूतापीय विद्युत परियोजना जो है ये भारत के कहां पर लगाई जाएगी? लद्दाख में। और किसकी मदद से, कौन लगाएगा इसे? तो बिल्कुल याद करके मुझे बताओ, ये लद्दाख में होगी, और किस कौन सी कंपनी इसको बनाएगी? चलिए आपका कमेंट आना चाहिए, लद्दाख के अंदर। भारत में लैंड होल्डिंग के लिए एक 16 अंकों वाला कोड दिया जा रहा है, आपको बताना है किस राज्य की सरकार ने ONGC के द्वारा, NTPC भी आ रहा है, ONGC भी आ रहा है, सभी का ONGC के द्वारा। चलो आगे देखिएगा ध्यान से, 16 अंकों वाला यूनिकोड आपको बताना है यहां पर अच्छे से, तो बहुत अच्छे से देखो, ये उत्तर प्रदेश ने सर किया है लैंड होल्डिंग्स के लिए, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये काम किया गया, चलिए याद रखना उत्तर प्रदेश द्वारा। जेनेवा में स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक किसे चुना गया है? WTO के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? और आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक ये चुनी गई है ओकोंजो आइवेला, जो किस देश से आती है? नाइजीरिया से आती है। कहां से आती है? नाइजीरिया से आती है ओकोंजो आइवेला, WTO की नई अध्यक्ष है।
किस देश का रॉकेट का नाम है सोयुज 2? सोयुज 2 रॉकेट किस देश का है जो अपने साथ बहुत सारे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है? 40 देशों के सैटेलाइट को रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा सोयुज 2। ये कहां का है? ये रशिया का मिसाइल है सोयुज, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला सवाल है, सांस नाम का अभियान किस राज्य ने चलाया है ताकि निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके? निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर कम की जा सके, ये सांस नाम का अभियान चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। बार बार पूछता हूं, बार बार बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई हो या कोई भी एग्जाम, इस समय आपको एक साल से कम करंट नहीं करनी, इस समय आपको एक साल लेकर चलना है, ठीक। किस राज्य को मत्स्य हब बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश दिया जा रहा है? यहां पर 400 करोड़ रुपए का है मत्स्य हब बनाने के लिए, तो यहां पर गोवा राज्य को दिए गए हैं 400 करोड़ रुपए फॉर फिशरीज हब क्रिएट करने। तो 50 क्वेश्चन का सेगमेंट आपके पास हुआ, यानी आधे माइलस्टोन तक हम पहुंच गए, और होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी। और मुझे उम्मीद है आपसे कि ज्यादातर के क्वेश्चन आपने HLE में उड़ीसा में भी चलाया, ओके। कुछ निकल गया तो कुछ आए ना आए वहां शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो 1200 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, और UPSI पूरी हो जाएगी करंट अफेयर नेशनल वाली। हाँ, यूपी की मैं अलग से कराऊंगा, वो कर लेना। 300 क्वेश्चन और होंगे यूपी के खाली, पिछले एक साल के, सवा साल के यानी। चलो आगे बताओ, सोचकर आंसर दो। समग्र शिक्षा योजना के तहत अब यहां पर जो स्कूल और छात्रावास का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा आपको बताना है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा नया बताया है, गोवा के राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, वही है दोनों के। तो सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत चल रहा है सर, क्योंकि चुनाव का समय है, बंगाल का समय है ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी की बात आ जाती है। तो बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, सही आंसर सुभाष चंद्र बोस। भारत में काबुल नदी के ऊपर, अब काबुल किस देश में, ये तो आपको पता ही है, यहां पर एक शहतूत बांध जिसे लालंदर डैम भी कहा जाता है, लालंदर बांध भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया जा रहा है कहां पर? अफगानिस्तान में। तो याद रखना, शहतूत बांध का निर्माण अफगानिस्तान में किया जा रहा है यहां पर काबुल नदी पर, ठीक। अगला सवाल है, द्वीप विश्व में 22 mm का सबसे छोटा 22 mm की एक गिरगिट, जिसे रेप्टाइल भी बोलते हैं, चैमोलिन भी बोलते हैं, तो एक रेप्टाइल यानी ब्रुकेशिया नाना की खोज की गई है। ये गिरगिट की एक प्रकार है मेडागास्कर में, 22 mm का है जस्ट, ये विश्व में सबसे छोटा। एक किताब लिखी गई है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, यानी क्या होगा जब ये बीमारी पोस्ट पैंडेमिक यानी बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद के क्या तरीके यानी किस तरीके से इंप्रूवमेंट आएगा। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, और ये लिखा है संगीत पॉल चौधरी, एक ऑथर है, राइटर है हमारे संगीत पॉल चौधरी के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला है, वन्य जीव फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2021 का खिताब किसे दिया गया? तो आपको बताना है कि सबसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की कैटेगरी में कौन चुना गया, और किस देश का है इंसान, ये भी बता सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के रूप में जो चुने गए हैं वो क्या नाम है उनका, रॉबर्ट इरविन को चुना गया है यहां पर। तो रॉबर्ट इरविन चुने गए, याद रखिएगा ध्यान से, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर सांस अभियान उड़ीसा ने कहां चलाया मेरे भाई, सांस अभियान तो चलाया है मध्य प्रदेश ने ही, हाल ही में उड़ीसा में चलाया गया है। तो देखिएगा विकास कुमार, फिर उसमें कोई अंतर होगा, फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है उड़ीसा वाले सांस अभियान का, मध्य प्रदेश में कंफर्म है निमोनिया को लेकर। चलिए, भारत में पहले खिलौना मेला टॉय फेयर का आयोजन किया गया है कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय यानी सभी के द्वारा। तो भारत का पहला टॉय फेयर यहां पर लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, आप करके तो देखिए, मेहनत तो कीजिए साथ में, सब कुछ आपके पास बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्योंकि मैं आपको जब क्वेश्चन बताता हूं एग्जाम के अंदर, ये पूछे गए आप सभी के जवाब दे पाते हैं, इसका मतलब नॉलेज आपको साफ कुछ है, काफी है।
तो बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे अंकुर यादव भाई, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं लगातार। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020, तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन चुनी है? ये चुनी गई है मनसा, तेलंगाना से आती हैं, तो ये चुनी गई है इस बार की मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया 2020। ठीक, ट्रॉपेक्स नाम का एक अभ्यास संपन्न किया गया है, ट्रॉपेक्स 2021, ट्रॉपेक्स 21 के नाम से, और यह अभ्यास किनके बीच संपन्न हुआ है याद रखना, ये एक अभ्यास है जो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडिया के राज्यों की जो अपनी सेनाएं होती हैं उन सब ने मिलकर किया, क्योंकि एसएससी लेवल पर आप देखो ध्यान से, यूपीएसआई हो या कोई भी, सर ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन बहुत कम आता, और वो आ जाए जब तो हमें देख लेना चाहिए क्वेश्चन में, ज्यादातर संभावना ऑल ऑफ अबव की उस समय बन जाती है। तो इन सब ने मिलकर एक अभियान चलाया ट्रॉपेक्स 21 के नाम से। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस युद्ध पोत को यहां पर, यानी किस इंडियन वेसल को यहां पर, उसको खत्म करने, उसको तोड़ने, खराब करने पर उसको रोक लगा दी है, यानी जो एक यहां पर वेसल है जो खराब हो गया है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल नहीं होता, तो उसको यहां पर कहा गया कि उसको बेच दिया जाएगा उसके मटेरियल को, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे पुनर्स्थापित करें और फिर उसके अंदर कुछ नया क्रिएट करेंगे एक व्यक्ति की याचिका के ऊपर, इसका नाम है INS विराट। तो INS विराट नाम का है ये, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला दिया कि अभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेता जो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद थे, उनकी जगह अब राज्यसभा में विपक्ष नेता कौन होगा? तो गुलाम नबी आजाद की जगह किसे चुना गया है? मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो गुलाम नबी आजाद की जगह कौन होगा? मल्लिका अर्जुन खड़गे होंगे। कोविड योद्धा स्मारक ये कहां बनाया जा रहा है बताओ? कोविड योद्धा स्मारक बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, कोविड योद्धा स्मारक कहां बनाया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर बनाया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को आसानी से? अनफिनिश्ड नाम का एक मेमोरियल, अपनी अपनी जीवनी अपने बारे में बताया है अनफिनिश्ड, और इस नाम का मेमोरियल या संस्मरण किसके द्वारा दिया गया है? प्रियंका चोपड़ा जॉनस। तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा दिया गया है अनफिनिश्ड। किस राज्य ने जल अभिषेक नाम का एक अभियान चलाया है, यहां पर जल का संरक्षण करने के लिए जल अभिषेक नाम का अभियान चलाया गया, और हम जानते हैं जहां नहीं आता वहां अंदाजा भी लगाए तो सही जाकर लगता है मध्य प्रदेश। तो जल अभिषेक नाम से चलाया गया मध्य प्रदेश, किसके लिए? जल के संरक्षण के लिए। हाल ही में गूगल मानचित्र ने मैप माई इंडिया, गूगल मैप का इस्तेमाल बंद करिए, मैप माई इंडिया का इस्तेमाल शुरू करिए। तो मैप माई इंडिया के नाम से अपना ऐप बनाया है जो, उसके लिए आपको बताना है किसके साथ समझौता किया है भारत सरकार ने, जिसके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल इकोनॉमी कब पढ़ाएंगे काजल? बिल्कुल आएंगे, सभी होंगी, सारी चीजें होंगी, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सबका धीरे धीरे नंबर आता है, और सभी के कमेंट कर रहा हूं भाई मैं आप, और बिल्कुल हेमलता, चलिए याद रखना इसरो के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? नेशनल कल्चरल फेस्टिवल जो मनाया गया है 2021 में, इसका आयोजन किया गया है हमारे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में, जहां कोरोना को जाने से भी डर लग रहा है अभी, बात समझ रहे होंगे, जहां रोड शो होंगे, जहां सब कुछ होगा लेकिन कोरोना नहीं होगा। चलिए बंगाल के अंदर सॉरी, भारत की अब तक की ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी डिक इंसोनिया के जीवाश्म की खोज कहां पर की गई है? बिल्कुल अच्छे से बताना और समझाना। तो ये कैव है जिसका नाम है भीम बेट का कैव, इसके अंदर ये देखो एक तरह की यहां पर जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं यहां पर, और बस आपको इन्हीं को याद रखना है, भीम बेट का कैव का नाम है ये, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ का
सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है यूरोपीय संघ का अमेरिका को छोड़कर। तो यूरोप वाले इस समय सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ कर रहे हैं, जिससे उम्मीद नहीं करते हम उसी के साथ, चाइना के साथ। किसके साथ? चीन के साथ कर रहे हैं। यहां पर व्हाट्सएप की तर्ज पर भारत का अपना खुद का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लाया गया है, व्हाट्सएप की तर्ज पर। और आपको बताना है यहां पर भारत का अपना खुद का मैसेजिंग ऐप जो लाया गया, बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका नाम क्या है? संदेश। तो संदेश नाम का है यहां पर, बिल्कुल याद रहेगा। आगे देखिएगा ध्यान से, ISA के महानिदेशक के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं यहां पर? उपेंद्र त्रिपाठी थे पहले, अब कौन आ गए? तो इनकी जगह बने हैं अजय माथुर। एक एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल। तो अजय माथुर वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, आज का टॉप थ्री क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर रहा हूं मैं इसे। तो अजय माथुर किस IIT संस्थान के द्वारा, किस IIT संस्थान के द्वारा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाया गया, पीमो, जो बहुत कम लागत पर आपका शुरू हो जाएगा। पीमो नाम की एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाया है किस इंस्टीट्यूट ने, IIT ने यहां पर? तो IIT मद्रास ने बनाया। किसने? IIT मद्रास ने बनाया, बिल्कुल। प्रधान इटली के नए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किसने प्राप्त किया है? इटली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, गुरुग्राम बहुत अच्छे से याद है आपको। तो यहां सर मारियो ड्रागी हैं, जिनको यहां पर बनाया है। इससे पहले ग्यूसपे कॉन्टे हुआ करते थे, ये हुआ करते थे, इनकी जगह पर ये बने हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय जनता संघ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, वो आपको बताना है जल्दी से यहां पर, उनके जन्म दिवस, उनकी पुण्यतिथि, माफ कीजिएगा, तो उनकी पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? समर्पण दिवस। क्या होगा? समर्पण दिवस मनाया जाएगा। भारत में चिराग नाम की एक परियोजना चलाई गई है, किस सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है चिराग। और इसके लिए बताना है वर्ल्ड बैंक कितना पैसा देगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होने, IIT से संबंधित जो होंगे। देखो करना तो पड़ेगा विकास, सीखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सब कुछ होगा। सर चिराग नाम की परियोजना जो छत्तीसगढ़ की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए $100 मिलियन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। बाबर नाम की एक मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने वाली, तो ये बाबर नाम की जो मिसाइल है किस देश की है? तो ये बिल्कुल हमें याद करना है सर, गजनवी और बाबर ये दोनों, और शाहीन नाम की एक और मिसाइल है, तो बिल्कुल याद रखना, सब कुछ याद होगा आपको अच्छे से। सर ये पाकिस्तान की मिसाइल है सरफेस टू सरफेस। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? बहुत सारे न्यायाधीश बदले गए थे एक साथ, आपको याद करना। तो बिल्कुल मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वेंकट संजय कुमार को बनाया गया था। वेंकट संजय कुमार जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 75 के आंसर, तो वो होंगे यहां पर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग के रूप में किसे चुना गया? 2021 के गणतंत्र में जो मार्च किया गया, मार्चिंग की गई, उसके लिए दिल्ली पुलिस को यहां पहला स्थान दिया गया। दिल्ली पुलिस को पहला स्थान दिया गया यहां मार्चिंग के लिए। मां कैंटीन, जहां 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलेगा, ये मां है, अम्मा नहीं है, यानी ये तमिलनाडु की अम्मा नहीं है, ये मां है, ये दीदी है, यानी इसका मतलब, तो दीदी जो मां की भूमिका में है ये बंगाल के अंदर, तो ये दीदी है मां के रूप में। ठीक है, तो मां कैंटीन चुनाव आ गए तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना भाई, तो ये 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। चलिए ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस खिलाड़ी को असम ने DSP बना दिया है? हिमा दास, सभी जानते हैं हिमा दास, तो ढींग एक्सप्रेस इन्हें बोला जाता है। ठीक है,
चलिए हिमादास, किस प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता को लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड मिला है अभ्यारण यानी कि सेंचुरी के लिए? सेंचुरी के केस में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड के रूप में किस कार्यकर्ता या प्रकृतिवादी को दिया गया या नेचुरलिस्ट या एक्टिविस्ट को दिया गया है? तो ये हैं महाराष्ट्र से आने वाले थियोडोर भास्करन, इनको यहां पर होगा बिल्कुल, जिनको चुना गया है इस तरह के अवार्ड के लिए, थियोडोर भास्करन। राज्यपाल किरण बेदी को हटाकर पुडुचेरी का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो वो है तेलंगाना के राज्यपाल जिनका नाम है सुंदरा राजन। किसके पास है? सुंदरा राजन। तो आपको कैसे याद है भाई? देखो सब याद हो जाता है, आप बार बार मेहनत करते हो, बार बार पढ़ते हो, दिक्कत नहीं आती। 100 क्वेश्चन की सीरीज बनाई, 95 तो मुझे भी याद होंगे इसके अंदर से, एक दो में डाउट लगा तो चेक करना जरूरी होता है, आपका भी काम है, लगातार करेंगे तो आपकी गलतियां नहीं आएंगी। तो तेलंगाना के जो राज्यपाल सुंदरा राजन है वही है इसके अंदर। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर बने हैं सर आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है YSR जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है इनका? जगन मोहन रेड्डी। तो अरुण भाई बिल्कुल मोगेम्बो खुश हुआ आपके हिसाब से, तो अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल उम्मीद यही है इसका मतलब। चलिए एर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारत के किस शहर को ट्री सिटी यानी पेड़ों का शहर घोषित किया गया है? ट्री सिटी डिक्लेयर किया गया है भारत को। तो बिल्कुल डेली पढ़ते हैं, बिल्कुल इसीलिए याद हो जाता है, तो बिल्कुल इसीलिए कहा डेली भी ना करें तो लगातार कुछ कुछ समय बाद रिवाइज करते रहें। तो हैदराबाद को यहां ट्री सिटी के रूप में घोषित किया गया। अगला है 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में भारत के 100 नेक्स्ट के अंदर भारत का कौन सा नेता चुना गया? बिल्कुल बताना है, जिनको हम रावण कहते हैं, तो ये आज के दौर के रावण हैं, तो आपको बताना है यहां पर सही आंसर होगा भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद। तो ये चुने गए उभरते हुए नेताओं की लिस्ट के अंदर भारत से। वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, फोटोग्राफरों ने मिलकर एक स्नैकपीडिया के नाम से, यहां बहुत ज्यादा सांप रहते हैं एक तरह से ये कहिए, तो स्नैकपीडिया के नाम से यहां पर एक लॉन्च किया गया ऐप को, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया होगा? तो ये केरला के द्वारा किया गया है, डॉक्टर्स, फोटोग्राफर्स, इन सबका। आंचल यूपी नहीं है, केरला के द्वारा किया गया। 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, आपको बतानी है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है अब की बार? और नंबर वन खिलाड़ी है टेबल टेनिस की हमारी मणिका बत्रा, तो मणिका बत्रा नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इन्हीं के द्वारा जीता गया। आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है आपको बताना है? इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है यहां पर? तो क्रिस मॉरिस चुने गए, साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस सबसे महंगे होंगे। स्टेटिक जीके वाला भी ले आएंगे कभी ना कभी, जरूर ले आएंगे, कभी ना कभी नहीं जल्दी ही ले आएंगे इसका मतलब। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? धमिका प्रसाद, ऐसा नाम कहां हो सकता है? तो ये नाम श्रीलंका में नजर आएगा हमें, धमिका प्रसाद श्रीलंका के बॉलर और संन्यास ले चुके हैं। किस देश के यहां पर जो मंगल ग्रह से परसेवरेंस रोवर्स नाम का एक यहां पर सक्सेसफुली लैंड किया गया है मार्स पर, तो आपको बताना है ये किसके द्वारा, किस एजेंसी के द्वारा किया गया? मंगल की धरती पर रोवर्स को भेजा गया, रोवर जिसे कहेंगे हम, तो सर ये नासा के द्वारा किया गया होगा, इतने बड़े बड़े काम तो नासा ही करता है, यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया। 88 का सही आंसर, परसेवरेंस रोवर जो है मंगल की धरती पर नासा ने भेजा, और ऑडियो भी आई है वहां से, ऑडियो क्लिप भी भेजिए नासा ने वहां से। अच्छा, हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ग्रीन एस्टेट के साथ समझौता किया, ये ग्रीन स्टेट कहां का है जिसके साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टाई अप कर रहा है यहां? सर ये ग्रीन स्टेट जो है ये नॉर्वे की एक कंपनी का नाम है,
जिसके साथ हम यहां समझौता करने वाले हैं, किसके साथ? नॉर्वे के ग्रीन स्टेट के साथ। किस अरब देश ने सेना में महिलाओं को शामिल करने की बात को एक्सेप्ट कर लिया है? सेना में महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी किस अरब देश के द्वारा? तो आपको बताना है कि ये किस अरब देश के द्वारा किया जा रहा है? सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है ऐसा, सऊदी अरब। किस राज्य ने कहा है कि पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अस्तित्व स्वामित्व होगा? पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होगा, ऐसा किस देश में कहा गया होगा? तो सर यहां पर बात की जा रही है जिसकी, वो है हमारा उत्तराखंड। तो ये दोनों यू से आ रहे थे, तो उत्तराखंड में ये अनाउंसमेंट की गई है। और अभी जानते हैं वहां के सीएम बदल कर तीरथ सिंह रावत हो चुके हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने कार्बन वॉच नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन से ही अंदाजा लगाया जा सके। तो बताना है कि कौन व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहा है यहां, तो इस तरह से आपको देखना होगा बिल्कुल। तो ये चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया कार्बन वॉच के नाम से, चंडीगढ़ की सरकार द्वारा। हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्री द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये आज का टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां किया गया? ये टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप के अंदर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहां है? लक्षद्वीप के अंदर। 93 क्वेश्चन नंबर है ये, लक्षद्वीप। हाल ही में वेंकैया नायडू ने रमेश कुंडला द्वारा लिखी गई किताब मैवरिक मसीहा या मसीह के नाम से, मैवरिक मसीह नाम से एक किताब का विमोचन किया। और बताना ये किताब किसके बारे में बात करती है? तो यहां पर एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन मुख्यमंत्री की जीवनी पर आधारित है। और ये मैवरिक मसीह जो है वो एनटी रामा राव, जो कि तमिलनाडु के थे आई थिंक, या आंध्र प्रदेश के, में भी तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये। अब देखिए क्वेश्चन दिमाग से निकल गया अचानक से कि तमिलनाडु के थे या मुख्यमंत्री, लेकिन एनटी रामा राव ही थे जिन पर ये किताब लिखी गई है। तो बिल्कुल याद रखना इसे। डीआरडीओ ने अभी पिलखुआ के अंदर, भारत में हापुड़ के अंदर एक जगह पड़ती है पिलखुआ, और आपको बताना है यहां पर अग्नि से सुरक्षा परीक्षण बनाया है, प्रशिक्षण बनाया है, माफ कीजिएगा, अग्नि से सुरक्षा प्रशिक्षण कैसे किया जाए। और पिलखुआ हापुड़ में आता है, और हापुड़ उत्तर प्रदेश में आता है, है ना। हापुड़ कहां पर आता है? जिसका ज्योतिबा फूले नगर नाम दिया गया था, हापुड़, बिल्कुल। तो पीडीएफ आज शाम तक मिल जाएगी आपको इसकी, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, युवा खेल नहीं है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आपको बताना है 2021 का उद्घाटन कहां किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, इस बार ये कर्नाटक में होने वाले हैं, तो कर्नाटक में होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, कर्नाटक। भारत में कागज रहित पहला बजट पेश करने वाला राज्य है, ये टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा इस बार पंचकुला हरियाणा में होंगे, खेलो युवा गेम्स इस बार पंचकुला हरियाणा के अंदर होंगे, ठीक है, याद रखना। पहला कागज रहित बजट उत्तर प्रदेश द्वारा 22 फरवरी 2021 को लाया गया था, यहाँ के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा, उत्तर प्रदेश। मंगल ग्रह से पहला ऑडियो भेजा भी बताया था मैंने आपको, नासा को एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है मंगल ग्रह का पहला ऑडियो, जो प्रिजर्वेंस रोवर्स अभी मैंने बोला उसी के द्वारा ये काम किया गया, नासा के द्वारा। श्रीराम कैपिटल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी चेन्नई के अंदर, इसके अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए केपी कृष्णन, तो केपी कृष्णन को चुना गया है श्रीराम कैपिटल लिमिटेड का अगला अध्यक्ष। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट और रिसर्च का उद्घाटन किया गया है आईआईटी खड़गपुर में, और ये किसके द्वारा किया गया है आपको बताना है, या इस सवाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किस आईआईटी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया, वो ज्यादा इजी और आसान और इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सही जवाब याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर में, लेकिन इसमें पूछा है किसने करा है, तो शिक्षा
मंत्रालय ने किया। तो कई बार हम क्वेश्चन को सीधे पढ़ें, उल्टा पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, जवाब तक पहुंचना पड़ता है हमें। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा और बेहतर करा जा सकता था इस तरीके से पूछ कर कि ये आईआईटी खड़गपुर ऑप्शन में दिया जाता तो बेहतर हो जाता, है ना भाई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। और ये 100 टॉप क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं भीम जयंती की शुभकामनाएं। तो भाई आपको भी शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं, ठीक है भाई। और इंडिया सारी वीडियो बनाई है, अगर आप इंडिया के सारे खेल देखना चाहते हैं, देखो मेरे नाम पर जाइए YouTube पर, मेरे नाम के साथ सर्च करिए, आपको स्टेटिक जीके की क्लास भी मिलेगी, आपको सारे खेल मिलेंगे वहां पर, सारे पार्लियामेंट्स के मिलेंगे, सारे नेशनल पार्क मिलेंगे, GI टैग्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आप लोगों के पास। तो राहुल अभी देखिए वक्त है, और उम्मीद है कि इस बार वाली क्लास में ना लूं आपकी, ठीक है, या राहुल क्लास हो भी सकती है क्योंकि अभी 8:11 हैं, कुछ देर के बाद हम बैंकिंग GA की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोहित, आंचल, राहुल सभी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और कल ये सीरीज पूरी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने, तो सब कुछ मिलेगा YouTube पर, मेरे नाम से जाइए, RYP चैनल पर तो जाइए एक बार, जो आपके मन के डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।